एक्चुअली अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रूल हम याद रखेंगे और एक अहम बात याद रखेंगे। मिसाल के तौर पर ये शख्स कप्स बेच रहा है, तो एक आदमी आया जिसकी 100% अर्निंग सूदी है, एक शख्स आया जो 100% सूदी पैसे कमा करके आया है और उसके पास टोटल के टोटल प्योर पैसे सूद के पैसे ही है उसकी कमाई। वो आता है कहता है मुझे 100 कप खरीदना है, कितना कॉस्ट है आपका? 50 रुपये। ये लो 100 कप के कितने हो रहे हैं? 5000। ये लो 5000 रुपये। ये 5000 रुपये जो कप बेचने वाले के पास आए तो सही हलाल है कि हराम है? हलाल है, हराम है? हलाल है। क्यों? एक रूल याद रखिए, जब हाथ बदलता है तो हुक्म बदलता है, हाथ जब बदलता है तो हुक्म बदलता है। मिसाल के तौर पे बुखारी की हदीस है, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, घर में तो गोश्त की खुशबू पकने की आ रही थी लेकिन खाने बैठे तो गोश्त था ही नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि गोश्त की खुशबू तो आई थी, तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि बरीरा जो बांधी है उसे वो सदक़े में वो गोश्त मिला है, सदक़े में गोश्त मिला है और उसने हमें भी दिया है। इस तरह से औकम अकल, इस तरह से मफहूम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो उसे सदक़े में मिला लेकिन वो हमें जब देगी तो वो हदिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका खाना हराम था, सदक़े का माल खाना हराम है, लेकिन बरीरा को मिला तो सदका मिला। बरीरा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो दिया वो हदिया है, हदिया है। तो पता चला कि हाथ बदला तो हुक्म बदला। अब ये जो उसने कमाया कैसे कमाया? सूद से कमाया, वो उसका लुकआउट है, हराम करके कमाया उसका लुकआउट है। हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं कब्ज़ के पैसे आ रहे हैं तो वो हलाल है हमारे लिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो दुनिया में कितनी तकलीफ हो जाएगी भाई। हमें शरीयत ने कोई अननेसेसरी मुश्किल में नहीं डाला है, एक रियलिस्टिक सिस्टम है ये जो एक इंसान जिस पर चल सकता है। लोग क्या करते हैं कि हकीकी जो रियल चीज़ को इतना मुश्किल बना देते हैं ना, फिर ताकि कह सकें कि देखो ये पूरे पे अमल ही नहीं कर सकते, पहले उसको बहुत मुश्किल बनाएंगे फिर उस पर अमल ही नहीं कर सके। उसी तरह बैंक ने कहाँ से ली, कैसे ली? बैंक बेच रही है फ्लैट, बैंक बेच रही है, बैंक भी बेवकूफ़ नहीं है, जो चीज़ की मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बेचेगी वो। और एक शख्स है जो लेने जा रहा है, तो बैंक ने कैसे करके क्या हासिल की वो उसका जवाब वो बैंक आखिरत में देने वाली है, ये उसके साथ कोऑपरेशन नहीं है। ये एक ओपन मार्केट में एक प्रोडक्ट बेच रही है, वो प्रोडक्ट के बारे में प्राइस निगोशिएट करके एक इंसान ले रहा है। तो जो लोग इसमें फील करते हैं ना कि इसके अंदर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आपको अच्छी नहीं लगती आप नहीं करना चाहते मत करो, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। लेकिन शरिया के एंगल से हम देखते हैं तो इसमें कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल, कोई क्लॉज दिखता ही नहीं है जिसके वजह से हम ये कहें कि ये ट्रांजेक्शन जायज़ नहीं है। तो बैंक से बेचे हुए, बैंक बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदियों का नॉर्मल मामला था कि यहूदी सूदी काम करते थे, फिर भी हमें हदीस मिलेगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का दिया हुआ हदिया कबूल किया। यहाँ तक का कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया गया, जिस जहर का असर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में भी महसूस कर रहे थे, वो एक यहूदिया ने दिया था। उसी तरह हम देखते हैं कि सही बुखारी की हदीस है, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जौ खरीदा इला अजलिन, एक मुद्दत के लिए यानी क्रेडिट पर, वरहनुहु दिरअम मिन हदीद, और डिपॉजिट के तौर पर उनकी जो ढाल थी, ढाल वो डिपॉजिट के तौर पर रखी थी कि गिरवी में क्या रख रहे हो, लेके जा रहे हो जौ, बाद में पेमेंट दोगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, तो रहन के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ढाल रखी थी ये एक यहूदी दुकानदार के पास। पता चला कि नॉन मुस्लिम्स के साथ भी लेन देन कर सकते हैं, उनका सूदी जो भी मामला हो, जो भी कर रहे हो, अगर ये कब बेचने वाला यहूदी है या कोई भी शख्स है तो बिजनेस उनके साथ करने से इस्लाम ने रोका नहीं।